आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इज इट पॉसिबल फॉर अ गिवन लेंस टू एक्ट एज अ कन्वर्जिंग लेंस इन वन मीडियम एंड अ डाइवर्जिंग लेंस इन अनादर सो कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है जो फोकल लेंथ वो पॉजिटिव होता है और डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है किसके लिए ये कन्वर्जिंग के लिए कन्वर्जिंग किसके लिए ये है डाइवर्जिंग के लिए सो so, पहले तो हम फॉर्मुला लिख देते हैं फॉर्मूला वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू सो सपोज करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारा पॉजिटिव है

तो so, ये अगर नेगेटिव हो गया तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव अब सेकंड कह सकते हैं अगर सपोज कि ये जो तो वैल्यू है यहाँ म्यू टू इज ग्रेटर देन मीएम हो गया तो क्या हो जाएगा म्यू टू म्यू मीएम केस में ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होगा और वन से ज़्यादा होगा तो म्यूटू बाई म्यूएम इस ग्रेटर दन आ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारी जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगा और इससे फोकल लेंथ जो आ जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर ये वैल्यू ये नेगेटिव भी है फिर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है फॉर डिफरेंट कंडीशन ऑफ म्यू एम मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू एम सो हमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस दोनों मिल जाएगा फॉर डिफरेंट मीडियम सो हमारा जो क्वेश्चन में दिया है कि